हिंदी नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला निकालिए, सभी रिवीजन होगा। अध्याय 3 चूहे की चतुराई, ये रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग सभी इस अध्याय को पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चूहे की चतुराई को अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए उसको अच्छे से। और मुँह पड़ा यहाँ है, खात मलना मतलब पछताना, दुखी होना, उसको ही पढ़ना है। उसके बाद अभ्यास के लिए देखिए दिया हुआ है, सबसे छोटे चूहे के कितने मित्र थे, आप लोग जरूर जानते होंगे कितने मित्र थे। इसको अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको पता रहे होगा कि कितने मित्र थे, ठीक है। छोटे चूहे को किसने निकाला, बिल्ली चूहे को निकालने के लिए किसे बुलाने गई थी, आप लोगों को पता है किसे बुलाने गई थी, तो इसके लिए अच्छा से पढ़ना है। बिल्ली आपको, बिल्ली किसको बुलाने गई थी, आपका अपना मौसी को बुलाने गई थी, आपको पता होगा, तो इसको अच्छा से पढ़ना है, रीड करना, तभी आप लोग, हो सकता है मैं ऐसा भीतर से कोई भी प्रश्न दूँ, रीड नहीं करने से आप लोग नहीं सकोगे, यहाँ से ही दूंगी ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अंदर से भी दे सकती हूँ। तो लिखित प्रश्न जो है, चारों चूहे कहाँ रहते थे, आप लोगों को पता होगा चारों चूहा का चूहे बिल में रहते थे, तो ये सब पढ़ना है आप लोगों को, छोटा चूहा कहाँ रहता था, उसके बाद बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भाग रही थी, तो ये जो है ये भी पढ़ना है। सही उत्तर चुन, सही उत्तर चुन कर सही का निशान लगाइए। चूहे को देखा मोटी बिल्ली ने, चूहे के दोस्त ने, बिल्ली की बहन ने, तो आप लोगों को पता ही होगा कि चूहे को कौन देखा था, आपको इसीलिए आप लोगों को अध्याय जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। बार बार मैं ये बात दोहरा रही हूँ तो आप लोगों को उसको याद रखना है। खबील में से मुंह निकाल कर चूहा बोला, क्या बोला बोलिए तो, आओ आ जाओ चली जाओ मुझे छोड़ दो मौसी मैं यहाँ हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि बिल में से मुंह निकाल के चूहा बोला, क्या बोलिए, मौसी मैं यहाँ हूँ, तो ये पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वर्ण की जो है देखिए, आधा लॉ में लॉ लगाना है, बिल्ली उल्लू चक्कर धक्का अम्मा चम्मच रस्सा गुस्सा, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है। और है ओ की मात्रा औ की मात्रा, ये पहचानना है और अलग भी करना है, और ये शब्द को आप लोग अच्छे से पढ़िए तभी आप लोगों को शब्द का ज्ञान होगा, ठीक है। पोशाक पोशाक चौकन्ना छोटा चारों नौका पौधा, ये सब। टू का जो कोई प्रश्न है पढ़िए समझिए और लिखिए। एक जैसे शब्द, आप लोगों को पता होगा उल्टे अर्थ वाले शब्द, ये सब एक शब्द वाला अलग है और उल्टे शब्द वाले अलग है, इसको अलग अलग करना है, ठीक है। अनुनासिक ध्वनि वाले इन शब्दों को जोर जोर से पढ़िए, मतलब इस शब्दों को आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। पूंछ ऊंट ऊंची फूंक जाए बूंद मुंह कुआं धुआं पाए, ठीक है। प्रश्न 4 जो है 4, इसमें देखिए दिए गए शब्दों को सही जगह पर पहुंचाइए। यहाँ देखिए दिया हुआ है मौसी मामा राजा रानी, तो आप लोगों को पता ही है बिल्ली मौसी होता है, चंदा मामा होता है, चिड़िया रानी, शेर राजा, ये बहुत इजी है, आप लोग उसको पढ़िए। बात वाक्य की, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है दो दो शब्द, जो सही है से उसी को यहाँ बैठाना है। चारों चूहे एक में रहते थे, कहाँ रहते थे आप लोगों को पता होगा, बस उसी को लिखिए। बिल, छोटा चूहा बहुत कैसा था, सीधा साधा शैतान, जो है उसी को बैठाइए, तो आप लोगों को पढ़ना है। एक दिन एक डैश
बिल्ली ने उसे देख लिया। कौन सी बिल्ली? पतली मोटी लिखना है। घ, छोटे चूहे के तीन कितना दोस्त है? छोटे चूहे के तीन शत्रु थे, दोस्त थे। तो जो है उसको लिखना है। छोटा चूहा डैश में से निकल भागा, कहाँ से? बोतल घड़े। कहाँ घुसा था? देखिए तो चित्र में दिया हुआ है, वहाँ भी है। तो कहाँ है? घड़ा है? नहीं, बोतल है। तो आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद वर्णमाला का ज्ञान पढ़िए और भरिए। वर्णमाला का ज्ञान में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये भी पढ़ना है। उसके बाद क से देखे एकदम त स ज्ञ, ये जो है पूरा स्र तक पूरा अच्छा से पढ़ना है। ये भी पढ़ना है पूरा। क ख घ घ ग, छ छ झ झ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ बड़ा न, त थ द ध न, प फ व भ म, य र ल व स, षट्कोण क स, स ह छ त्र ज्ञ स्र। ये जो है देखिए नीचे में दिया हुआ है, य र ल व स, षट्कोण क स, स ह छ त्र ज्ञ स्र, श्रमिक क स, ठीक है। ये सब आप लोगों को याद करना है। ये तो एकदम समझिए लिखिए, ये भी करिए, सब बात नहीं है। तो यहाँ तक ही आप लोगों को अच्छे से करना है। तो अध्याय 3 का चूहे की चतुराई पेज 20 से लेके 27 तक आप लोग अच्छा से पढ़िए घर में, ठीक है।